नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय मेला दशहरे का आगाज आज शाम से फेमस एक्ट्रेस हेमा मालिनी की नृत्य नाटिका दुर्गा के साथ हुआ। इसके साथ ही आज आशापुरा माता की पूजा और रामलीला का शुभारंभ भी किया गया है। इन कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए हेमा मालिनी कोटा पहुंची, जहाँ कोटा नगर निगम के अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। राजस्थान में IAS, IPS, RPS के ट्रांसफर के बाद अब पंचायती राज विभाग में बड़ी संख्या में ट्रांसफर हुए हैं। गुरुवार को 341 तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की ट्रांसफर लिस्ट जारी हुई। 23 सितंबर को राजस्थान सरकार ने भी 22 IAS और 58 IPS अफसरों का ट्रांसफर किया था। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गांधी म्यूजियम को फिर से खोलने की राज्य सरकार की घोषणा पर बोलते हुए कहा कि इस सरकार ने यह देखा कि हमारे धरना प्रदर्शन पर अधिक संख्या में लोग आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया है। राजस्थान के बूंदी जिले में गुरुवार को सुबह एक गुरुकुल में आग लगने से 3 बच्चे बुरी तरह से झुलस गए। हादसे के तुरंत बाद उन्हें नैनवा के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर्स ने एक बच्चे को बूंदी और 2 बच्चों को कोटा रेफर कर दिया है। जिन बच्चों को कोटा रेफर किया गया है वे 80% तक झुलस चुके हैं। इस सूचना से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर नैनवा SDM शंकर लाल मीणा ने पहुंचकर हालातों की जानकारी ली। इसके बाद कोटा अस्पताल पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अस्पताल प्रशासन से बातचीत की, साथ ही डॉक्टरों को उचित देखभाल के निर्देश भी दिए। राजस्थान में जंगली जानवरों से खतरा तेजी से बढ़ रहा है। उदयपुर में पहले से ही तेंदुओं का हमला जारी और आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। वन विभाग तेंदुओं को पकड़ने में लगा है, जबकि तेंदुओं को गोली मारने के आदेश भी दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी ओर अब दौसा जिले में CR के हमले से नई दहशत फैल रही है। यहां एक महिला के ऊपर CR ने हमला कर दिया, इस वजह से महिला बुरी तरह घायल हो गई। महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। की सूचना मिलने पर वन विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और CR के होने की पुष्टि कर दी गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में ACB ने गुरुवार 2 अक्टूबर को IAS राजेंद्र विजय के घर पर छापा मारा। जयपुर कोटा दौसा में सर्च किया। ACB को 13 प्लाट के कागजात मिले। इनमें से टोंक रोड पॉश कॉलोनी में बना बंगला, सीस की अशोक मार्ग पर बना कॉमर्शियल लग्जरी कॉम्प्लेक्स और जगतपुरा सहित अन्य पॉश एरिया के कॉमर्शियल प्लेट शामिल हैं। अतिवृष्टि से खराब हुई फसल के मुआवजे और विशेष गिरदावरी की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले किसानों ने आज हनुमानगढ़ जिले के मसीतावाली हेड पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान किसानों ने बरसात से क्षतिग्रस्त हुए मकानों के मुआवजे की भी मांग रखी। चक्का जाम के दौरान सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि इन मांगों को लेकर किसान कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, मगर अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हरियाणा चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन था। शाम को 5 बजते ही प्रचार के पहिए थम गए। इसके बाद डोर टू डोर अभियान शुरू होगा। इसमें मतदाता वोटरों के घर जाकर अपने लिए मत देने की अपील करेंगे। बृहस्पतिवार शाम को 6 बजने से 5 अक्टूबर तक की शाम 6 बजे तक शराब की बिक्री पर पूरी तरीके से रोक रहेगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आप नेता मनीष सिसोदिया भी अब नए आवास में शिफ्ट होंगे। वह पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के सरकारी आवास में शिफ्ट होंगे। अब 32 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड मनीष सिसोदिया का नया पता होगा। मनीष सिसोदिया अभी तक वह AB 17 मथुरा रोड में रह रहे थे। ये घर अब मुख्यमंत्री आशीषी को दिया गया है। भारत के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ED ने सम्मन किया है। उन पर 20 करोड़ रुपए के फंड के दुरुपयोग का आरोप लगा है। ये मामला हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़ा हुआ है। 61 साल के अजहरुद्दीन को हैदराबाद में प्रवर्तन निदेशालय के सामने आज ही पेश होने के लिए कहा गया था, हालांकि वह पेश नहीं हुए। जानकारी के मुताबिक उन्होंने ED से समय मांगा है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।